मुरादाबाद के बाशिंदों ने 17 अप्रैल को जुमे के दिन एक बेहद खुशगवार और दिल को छू लेने वाला नज़ारा देखा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, सीओ कटघर पूनम सिरोही और एसीएम फर्स्ट राजेश कुमार सिंह जुमे की शाम को जब रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ नगर क्षेत्र में भ्रमण पर निकले तो गुलाब के फूलों की बारिश से उनका स्वागत व उत्साहवर्धन किया गया। हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट और नौजवान दस्तकार नेता नोमान मंसूरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की सभी लोगों ने खुले दिल से तारीफ की और कहा कि 15 अप्रैल को मोहल्ला नवाबपुरा में स्वास्थ्य कर्मियों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए पथराव से मुरादाबाद के माथे पर जो कलंक लगा था, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग के योद्धाओं पर पुष्प वर्षा करके आज उसे मिटाने का सुखद प्रयास किया है। इस अवसर पर एसपी सिटी, सीओ कटघर और एसीएम फर्स्ट के अलावा एसओ गलशहीद अजीत रौरिया, बड़ी संख्या में सिविल पुलिस और आरएएफ के जवान भी मौजूद रहे। पुलिस फोर्स के साथ ड्रोन कैमरा भी था जो इस खुशगवार मंजर को लगातार अपने अंदर कैद कर रहा था। सोसाइटी के अध्यक्ष नोमान मंसूरी के वालिद और बुजुर्ग समाजी खिदमतगार हाजी समीउल्ला मंसूरी ने इस मौके पर एसपी सिटी अमित कुमार आनंद और सीओ कटघर मैडम पूनम सिरोही का शाल उड़ाकर सम्मान भी किया। इस मौके पर सोसाइटी से वाबस्ता सोशल वर्कर मोहम्मद आरिफ मंसूरी, सिकंदर अली, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शबाब, मोहम्मद नवैद खां, हाजी अकरम, परवेज़ आलम, मोहम्मद एहसान खां, निसार सैफी, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद शहजाद, नज़ाकत अली अंसारी और बड़ी तादाद में अहले मोहल्ला भी शामिल रहे। मकानों की छतों से ख्वातीन और बच्चों ने भी फूल बरसाकर जनता की सुरक्षा में लगे अधिकारियों और जवानों का शुक्रिया अदा किया। सड़क पर दूर तक गुलाब की पंखड़ियाँ बिखरी हुई थीं और फूल बरसाने वालों की आँखों में एहसानमंदी और शुक्रगुजारी के जज्बात नज़र आ रहे थे। प्रिंस रोड पर अंसार कॉलेज के सामने वाक़े हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के दफ्तर पर आयोजित इस प्रोग्राम के बाद सोसाइटी के सदर नोमान मंसूरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। बताएं आप, मेहमान आए थे एसपी सिटी साहब और सीओ साहिबा आई थी और पुलिस के और अधिकारी आए थे। असल वजह ये थी कि जो मुरादाबाद में इस समय लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, आपको मालूम है, उस समस्या को लेकर जैसे पुलिस और डॉक्टर सब साथ में मिलकर नगर निगम सारे विभाग काम कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम पूरे मोहल्ले वासियों ने फूल बरसाए हैं जिससे कि उन लोगों का हौसला अफजाई हो सके। वो भी अपने बीवी बच्चों से दूर खड़े हैं और घरों से दूर हैं, जिस स्थिति में हमें उसी स्थिति में वो हैं, मगर हम घर के अंदर हैं, वो घर के बाहर हैं। अगर हम उनका साथ नहीं देंगे इस टाइम तो उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। हमने इसलिए उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए आज फूलों की वर्षा करी पूरे मोहल्ले में, सभी क्षेत्रवासियों ने फूलों की वर्षा की, फूलों की वर्षा हुई है। और मैं सब लोगों से अपील करूंगा, शहरवासियों से, कि जो सरकार इस टाइम दिशा निर्देश दे रही है लॉकडाउन का पालन करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, डॉक्टरों की टीम का सहयोग करें, क्योंकि वो लोग हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। हमारा टेस्ट करने अगर आए हैं या हमें उन्हें बुलाना है या हमें जाना है तो हम उनका सहयोग करें पूरी तरह से। इस समय हमें उनसे भागना नहीं चाहिए क्योंकि ये कर्फ्यू कोई वो वाला कर्फ्यू नहीं है लड़ाई झगड़े का। अच्छा, कुछ लोग ईंटें पर, लोगों ने ये हरकत बहुत गलत हरकत दिखाई और ये जाहिलाना सबूत है। इस तरह से हमारा शहर अमन का शहर है, हमारे शहर में हमेशा अमन चैन रहती है। ये मुरादाबाद एक ऐसा शहर है, पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम है, और थोड़े से लोगों ने कुछ इस तरह की हरकत करके पूरे शहर का नाम ख़राब करते हैं।